आपका स्वागत है वाइज फैमिली में। सब मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं वाइज फैमिली न्यूज चैनल। वहीं इस वक्त की बड़ी अपडेट, मध्य प्रदेश के धार जिले में एएसआई पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने आज कार्रवाई करते हुए धार के पुलिस थाना राजौर के एएसआई को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जबकि एएसआई पर 30,000 रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया गया है। जानकारी की माने तो आज दोपहर ये कार्रवाई इंदौर लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई है, जिसमें लोकायुक्त पुलिस ने एएसआई को ग्राम संदला स्थित बस स्टैंड पर रिश्वत लेकर रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वही मामले में लोकायुक्त पुलिस का कहना है कि आरोपी एएसआई को लेकर सर्किट हाउस सरदारपुर ले जाया जा रहा है, जहां आगे की कार्रवाई की जाएगी। वही लोकायुक्त के मुताबिक परमानंद अय्या के लगभग 1 महीने पूर्व उनके भाई का किसी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद एएसआई किशोर सिंह टाक ने मामले में 294/323/506 के तहत एफआईआर दर्ज किया था। वही एएसआई द्वारा उस मामले में फरियादी का नाम नहीं जोड़ने और प्रकरण में धारा नहीं बनाने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। बुधवार को लगभग 11:15 बजे जब ग्राम संदरा के बस स्टैंड पर एएसआई टांक ने फरियादी से रिश्वत लेने की कोशिश की, तो लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। वही आगे की कार्रवाई भी इसमें की जा रही है। जी भैया, आज वो एक मामला में भैया को मामला था, वहीं में एएसआई पैसा मांगा था। कितना पैसा मांगा? भी बहुत दे चुका था पैसा नहीं ना, तो 1.5 लाख रुपये तो दे चुके पहला, और 30,000 रुपये आज दिया तो लोकायुक्त पुलिस इंदौर से चेक कर लिया। वो कहीं नहीं, नॉर्मल धारा थी 323 वगैरह थी छोटी मोटी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पर ये 307 कर रहे थे, उसमें धारा बढ़ाने के चक्कर में वो मेरा भी फर्जी नाम लिख रहे थे, जबकि मेरा FIR में नाम ही नहीं है। मेरा नाम लिखने के एवज में भी मांगी हुई, जबकि मैं उस दिन सरदापुर था, FIR में भी सामने वाले भी नहीं लिखा है नाम। उसके बाद भी जबरन मेरे को फंसा के जीते। फरियादी परमानंद दैया, जो जिसका परिवार समाज के अन्य लोगों के साथ में झगड़ा हुआ था, इसके काउंटर केस दर्ज किया गया था थाना राजौर के अंतर्गत, जिसमें एएसआई किशोर सिंह टाक द्वारा इसकी विवेचना की जा रही थी, जिसमें फरियादी के परिवार के 7 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत था। इसका नाम ना जोड़ने और धारा ना बढ़ाने के एवज में रुपए की मांग की जा रही थी। और ये था अब तक का अपडेट। इस तमाम जानकारी और लगातार बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए वाइज फैमिली के साथ। जय हिंद, जय भारत।